दोस्तों कहते हैं दुनिया में एक ही चेहरे के करीब 7 लोग होते हैं। कई बार यह बातें सच भी होती हैं। आपने कई बार ऐसे चेहरे देखे होंगे जो हूबहू तो नहीं लेकिन उनके चेहरे एक दूसरे से मिलते होंगे। वैसे अगर आप सोचते हैं कि केवल आम इंसानों के ही हमशक्ल दुनिया में मौजूद हैं तो जनाब आप गलत हैं। क्रिकेटरों के भी हमशक्ल मौजूद हैं जो उन्हीं की तरह हूबहू देखने में लगते हैं। क्रिकेटरों के हमशक्ल होने के कारण लोगों में यह बेहद चर्चित है। आइए जानते हैं हमारे पसंदीदा क्रिकेटरों के हमशक्लों के बारे में जो दिखते हैं हूबहू उन्हीं की तरह। नंबर 1 सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में अपने जैसा भले ही कोई ना मिला हो लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं है। सचिन तेंदुलकर के हमशक्ल बलबीर सिंह एकदम सचिन की तरह ही दिखते हैं। बलबीर का कद उनका स्टाइल सब सचिन की तरह ही है। उन्होंने सचिन के साथ काम भी किया हुआ है और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी फैन फॉलोइंग है। नंबर 2 वीरेंद्र सहवाग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को लोग उनकी धुएंधार पारियों के लिए जानते हैं। उनको पसंद करने वालों में से एक फैन जीवन शर्मा बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता है। जीवन शर्मा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनकी शक्ल हूबहू वीरेंद्र सहवाग से मिलती है। नंबर 3 ईशांत शर्मा। भारतीय टीम के ईशांत शर्मा अपनी धारदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। ईशांत बिल्कुल ब्रेन रूइज की तरह लगते हैं जो कि एक फुटबॉलर हैं और अमेरिका के देश कोस्टारिका के रहने वाले हैं। दोनों की हेयर स्टाइल भी एक जैसी है। नंबर 4 शिखर धवन। इस लिस्ट में शिखर धवन भी शामिल हैं, जिन्हें उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल और मूछें रखने वाला शख्स मिला है। इस शख्स का नाम है राम बहादुर। यह शिखर धवन की तरह ही दिखता है और सोशल मीडिया पर भी इन्होंने अपने नाम के पीछे राम बहादुर धवन लिखा हुआ है। नंबर 5 लसित मलिंगा। श्रीलंका क्रिकेट टीम के गेंदबाज मलिंगा की शक्ल बॉलीवुड अभिनेता ओमकार दास मानिकपुरी से काफी मिलती है। वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका की हार के बाद मलिंगा और ओमकार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। दोस्तों अगर आप भी किसी क्रिकेट के हमशक्ल के बारे में जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।